नर्सिंग काउंसलिंग, आप सभी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा डाउट है कि बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग जो है कब से होगा और कितने इंतज़ार हम लोग करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग को लेकर। और इससे पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट का यही कमेंट रहता है कि सर बीएससी नर्सिंग के टॉपिक पर जो है वीडियो मत बनाइए क्योंकि काउंसलिंग का डेट अभी तक आया नहीं है, आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग को लेकर वीडियोज़ बनाते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट का सेम यही कमेंट रहता है कि इस टॉपिक पर जो है हमें वीडियो नहीं चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट को अगर बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं चाहिए वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें सर बीएससी नर्सिंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं जानना है, हमें जानकारी नहीं चाहिए नर्सिंग काउंसलिंग को लेकर, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों को लग रहा है कि बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग का कोई भी अपडेट हमें मत दीजिए कि काउंसलिंग कैसे होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे किया जाता है, कितने परसेंटेज और कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट के जो है बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग में सिलेक्शन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलता है, प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलता है, गवर्नमेंट की सीट कितने रहता है, प्राइवेट का कितना रहता है, दोनों में फ़ीस क्या रहता है, पढ़ाई कैसे होता है और हॉस्टल सुविधा रहता है या नहीं रहता, इन सब की जानकारी आप नहीं चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें सर ये जानकारी प्लीज़ मत दीजिए। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जब आप लोग काउंसलिंग करेंगे तब आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा और जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ और पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि 24,751 स्टूडेंट ने पेपर दिया है, 24,751 स्टूडेंट ने जो है बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, उसमें से सिर्फ 10,000 स्टूडेंट ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उसमें से सिर्फ 4,906 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाएगा, उसमें भी 410 सीटों पर गवर्नमेंट और 4,496 सीटों में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, उन स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोग सोचिए ना कितना ज़्यादा कंपटीशन है, जब आप लोग सोचेंगे कि हमारा रैंक तो इतना अच्छा है, हमारा मार्क्स बहुत अच्छा है, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, ऐसा आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा और आप लोग बहुत खुश होंगे। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से और अच्छे से समझिए कि मैं जो है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब तक आप लोग खुद नहीं जानेंगे, थोड़ा सा अपना ओपिनियन नहीं जानेंगे कि हमारा इतना रैंक है, हमारा मार्क्स इतना है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, फ़ीस कितना रहता है, अगर मान लिया जाए आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाता है, अब उसके बाद आपको तो प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस पता नहीं रहता है शुरू में कि कितना जो है फ़ीस हमें प्राइवेट कॉलेज में देना पड़ता है बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग, बीएससी नर्सिंग को लेकर, और जब हम पढ़ाई करेंगे 4 साल बीएससी नर्सिंग तो उसका फ़ीस जो है कितना देना पड़ेगा, तब उस समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि फ़ीस इतना है, और उन सब की जानकारी अगर आपको पहले से पता चल जाएगा तब आप उसके हिसाब से जो है कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा रहता है और गवर्नमेंट कॉलेज में जो है फ़ीस कम रहता है। और उसके बाद और बहुत से डाउट रहता है कि जैसे कि कॉलेज हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं या नहीं, बाद में अगर आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप सोचेंगे कि मुझे यह कॉलेज पसंद नहीं है, मुझे इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं करना है, मैं नेक्स्ट ईयर दूसरे कॉलेज में जो है चेंज करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अब आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और उससे पहले आपको पता चल जाए कि आप जो है कॉलेज किस तरह से चेंज कर सकते हैं, बिना बैक लगे कोई भी सब्जेक्ट में आपका बैक नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो है आप दूसरे कॉलेज चेंज कर सकते हैं, और दूसरे कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में जैसे आप जो है सेम यूनिवर्सिटी में ही चेंज कर सकते हैं, यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो है गवर्नमेंट में ही जो और कॉलेज रहते हैं उसमें जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी 1 साल के बाद होता है और आपका परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद जो है आपका दूसरे कॉलेज में सिलेक्शन जो है हो जाता है। तो इन सब के नॉलेज तो आपको पहले से होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है आप उसके बाद से ही एक्टिव होते हैं कि काउंसलिंग हम कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, काउंसलिंग कैसे किया जाता है, फ़ीस कितना रहता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का डाउट रहता है। तो डाउट जो है अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, तब आप लोग कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, तो ठीक है, यदि आप लोगों को पसंद नहीं आता बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग का जो मैं आपको बताता हूँ जानकारी वो आपको पसंद नहीं आता तो आप लोग बता दीजिए, मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो प्लीज़ मेरे बाकी वीडियोज़ को पसंद कीजिए। आज जो जॉब वैकेंसीज़ की बताता हूँ,
टीचर कैसे बने, फूड इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जितने भी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड होता है उन सब की जानकारी देता हूँ। एज लिमिट क्या रहता है, सिलेबस कैसे रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है मैं अपडेट देता हूँ, अपडेट करता हूँ। लेकिन आप लोग जो है वीडियोज़ को नहीं देखते, ये आप ही लोगों का लॉस है। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये रहता है कि यदि आपको कोई भी चीज़ जो है सही समय में, एग्जैक्ट सही समय में अगर जानकारी मिल जाता है, तो आप लोग जो आपका एक साल जो है गैप हो जाता है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो सही डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर कुछ जानकारी के अभाव में उनका एक साल जो है लॉस हो जाता है, या फिर वो सही करियर ऑप्शन जो है नहीं ले पाते, इसकी वजह से उनको दूसरे फील्ड में जाना पड़ता है। फिर वो सोचते हैं कि जो मैं फील्ड लिया हूँ वो मेरे को नहीं करना, बाद में अफसोस मत हो, मलाल ना हो। इस वजह से मैं आप लोगों को जो है अपडेट देता हूँ, जानकारी देता हूँ, ये आप ही लोगों के लिए मैं देता हूँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आप ही लोगों का फ़ायदा हो, आप ही लोगों को सभी जानकारी मिल सके, इस वजह से मैं देता हूँ। और कुछ स्टूडेंट ने जो है कमेंट किया था, तो उन स्टूडेंट का मैं कमेंट का रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो फर्स्ट इनका कमेंट है कि सर मेरा ऑल ओवर रैंक 119 और OBC का डिग्री रैंक 44 है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपका रैंक जो है बहुत अच्छा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। मैं आपको बोलूँगा भी नहीं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, आप जो है गवर्नमेंट, आप जो है पाँच जो है गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, पाँच जो है प्राइवेट कॉलेज आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग आप जो है 10 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, आपको जो है आराम से कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, मेरा 41 मार्क्स है, ऑल ओवर रैंक 174 है, तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगा, आपको कॉलेज मिलने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ओवर रैंक 1450 कैटेगरी रैंक 240 मेरा आएगा कि नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में, प्लीज़ बताना सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो बताता हूँ अपना ओपिनियन देता हूँ, लेकिन आपको सही जानकारी देता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आपको जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए आप ट्राई कीजिए, प्राइवेट कॉलेज में ही आप जो है सिलेक्शन के लिए जो है आप 10 कॉलेज में से कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का अब बहुत ही कम चांस है, नहीं के बराबर है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए ही आप ट्राई कीजिए, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की कोई चांस नहीं है। तो ये सब आप लोगों ने कमेंट किया था, तो कमेंट का मैं आपका रिप्लाई कर दिया, तो मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट कुछ भी पूछना चाहते हैं और उन्हें डाउट्स है, तो अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग बोलोगे कि वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा, और आप लोग बोलोगे तो मैं नहीं बनाऊँगा इस टॉपिक पर वीडियो, BSc नर्सिंग के लिए। और आप सभी को मैं बता दूँ कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो सबसे पहले BSc नर्सिंग का काउंसलिंग जो है CGDME के वेबसाइट में होता है, व्यापम में जो है PET का, PPST का और PAT का काउंसलिंग होता है, लेकिन नर्सिंग का काउंसलिंग जो है CGDME के साइट पर होता है। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको आपका जब भरेंगे फॉर्म फिल किए करेंगे काउंसलिंग का, तो आपको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद जो है आपको अपना सभी चीज़ें जो है अपलोड करना है, फिल करना है, फिर आपको जो है 10 कॉलेज हम जो है BSc नर्सिंग काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है BSc नर्सिंग का काउंसलिंग आप लोग कीजिएगा, और अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, और जैसे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये अपडेट है, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट्स हो तो अपना डाउट जो है क्लियर कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।